एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले, मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनोरस संतान भी होता है, और तुष्टिकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये तीन नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखा ही पड़ता है, और तुष्टिकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टिकरण क्विट इंडिया। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं, तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मिति 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।